महोदय के आदेश अनुसार हम लोग सम्मान समारोह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मैं इस कड़ी में सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रिया कुमारी। समझा तो भी बोल दीजिएगा तो पता चलेगा। रुकिएगा बगल में ठीक है बात कर रहे हैं रूपम कुमार कल्याणी कुमार शंकर भी विशांत कुमार जी रुकिएगा वहीं पर रुकिएगा एक मिनट खाली फोटो आशीष कुमार ये हिंदी से आशीष कुमार आशीष जी आई जाए हिंदी से है सर नंदन कुमार रुकिएगा सब एक मिनट रुकिएगा नंदन कुमार आप पॉलिटिकल साइंस से हैं नंदन कुमार पॉलिटिकल साइंस से क्या नाम लिखे हैं बढ़ने में अगर आप भैया क्या आदि आदि अच्छा ये उर्दू से है सर आदि जी हाँ जी और अंत में कन्हैया कुमार जी जो कि ज्योग्राफी से हैं कन्हैया यादवी ज्योग्राफी से हैं उनसे कहा आप भी नेट पर अच्छा नौ दिन अब से कौन है अभिषेक लेके चलिए लेके चलिए आइए मैं बात करूँगा अभिषेक सब्जेक्ट क्या है हिस्ट्री है आप लोग पीछे आदमी सर के फोटो खिंचवा जितने लोग नेट क्वालिफाइड सर आदमी ये फोटो ले लीजिए सब दिसंबर 2023 को खुला है पहली बार तो ये देख रहे हैं दिसंबर 2023 को मेरा नाम प्रिया कुमारी है मैं इतिहास विभाग की शोधार्थी हूँ और नेट के लिए मैंने कुछ मानक पुस्तकों का अध्ययन किया है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है आप अपने कमजोर जो आपके सेक्शंस हैं जो वीक सेक्शंस हैं आप उसके ऊपर फोकस कीजिए कि सेट लगाइए आप और आप देखिए कि आपके किस सेक्शंस में ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आप उसके ऊपर काम कीजिए तो इसका आपको ना आउटकम जरूर मिलेगा जैसे मेरे साथ हुआ है ये तो मैं उस आधार पे ये कह रही हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस से ही आपका स्कोर इंक्रीज होगा हमेशा ही बस इतना ही मैं रूपम कुमारी प्लस 20 के शोधार्थी हूँ और प्रिया जी बोले कि कोई शॉर्टकट नहीं होता है सभी बोले
जो अपना सब्जेक्ट है, जैसे कि सेकेंड पेपर में जो अपना सब्जेक्ट है उसमें 10 यूनिट है, आप किसी ऐसा यूनिट है पहले छोटे छोटे यूनिट से सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम एक तरफ से कर, आपको अच्छा कौन लग रहा है उसको पढ़िए, उसको पढ़ के फिर ये देखिए कि इसमें मेरा कितना आ रहा है, वही MCQ कीजिए। और फर्स्ट पेपर के लिए ये बोलना चाह रही हूँ कि किसी स्टूडेंट के जैसे मैथ अच्छा नहीं है तो सोचते इसमें मैथ 15 में 15 आ जाएंगे तब भी मेरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मैथ में ही नहीं लगे रहिए और उसमें है यूनिट वो सब को पकड़िए, वो सब में देखिए उससे हो जाएगा। मेरा नाम कल्याणी कुमारी है, मैं हिंदी विभाग ये PAT 20 की छात्रा हूँ, शोधार्थी हूँ। मैंने बहुत बार नेट की परीक्षा दी है और ये मेरा तीसरा बार है नेट हुआ, और दिसंबर 2022 में मेरा चयन नेशनल फेलोशिप के लिए भी हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ये है कि कमज़ोर को नहीं देखना है। लास्ट टाइम एग्जाम के लास्ट टाइम में ये होता है कि जो हमारा ठीक है, जो सब्जेक्ट ठीक है उस पर ज़्यादा जोर लगाना चाहिए, सिर्फ कमज़ोर सेक्शन पर ही नहीं, अगर उस पर ध्यान देते रहेंगे तो हमारा ठीक है सेक्शन वो भी खराब हो जाएगा। तो जो ठीक है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लास्ट टाइम में, बस मैं ये कहना चाहूँगी। मेरा नाम कुमार सत्यम है और मैं PAT 20 का शोधार्थी हूँ। मैंने भी 3 बार नेट क्वालिफाई किया है। आप जब भी तैयारी करते हैं तो सभी यूनिट को देखते हुए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आप तैयारी करिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आप सिर्फ बुक वगैरह या मानक पुस्तकें पढ़ते रहिए तो उससे भी होगा, क्वेश्चन जहाँ से पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करिए। इन्हीं सब के साथ अपनी वाणी को धन्यवाद। मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं PAT 2020 का शोधार्थी हूँ उड़ियन मंडल में, और मेरा भी 2 बार हुआ है। एक बार मैं चूँकि बीच में दिया नहीं था, उस बार भी हो ही जाता ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी ये चाहे कि एक बार हम करेंगे तो एक बार में ही नेट हो जाएगा। आप दीजिए बार बार, अगर आप बार बार दीजिएगा तो आपको अनुभव होगा किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा किस तरह की तैयारियां मुझे चाहिए, मुझे क्या कमी रह पा रही है उसमें। और कुछ लोग होते हैं कि अभी विद्यार्थी छात्रों में धैर्य की बहुत कमी हो गई है, उनको लगता है कि ये कर गए तो मुझे तुरंत कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बार बार देने से ही होता है, किसी का 3 बार में होता है, किसी का 4 बार, एक मेरे सर थे उनका 12 बार में हुआ था। तो वही धैर्यवान बनना चाहिए हम लोगों को और करना चाहिए। एक और मैं उदाहरण दूंगा कि एक मैं उनको भी अपना श्रेय दूंगा। पहली बात तो मैं हिंदी विभाग में इस टाइप का जो माहौल है, सिद्धेश्वर काश्यप सर, विनय बाबू जो भी है, उषा सिन्हा मैम, लोग को भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने माहौल तैयार किया है कि यहाँ के बच्चे जब नेट करते हैं तो उनको प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह की बातें होती है तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरे सीनियर थे विभीषण जी, पहले वो JRF किए, हम लोग JRF में चले गए, मुझे उनसे भी प्रेरणा मिली कि उन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, एक दूसरे को देखकर ही प्रेरणा मिलती है। और मुझे एक मेरे बहुत पहले आशुतोष जी थे, वो सहरसा में टीचर है जिला स्कूल में, मेरे गांव तरफ के ही थे, उन्होंने पहली बार मुझे नेट के बारे में बताया था। चूँकि वो अभी तक शिक्षक ही रहे, इस बार भी फिर BPSC से आ गए, लेकिन मैं नेट कर गया तो उनको मैं ये श्रेय देना चाहता हूँ कि उन्होंने पहली बार मुझे बताया था कि नेट होता क्या है। अगर मुझे बताते नहीं, मेरी रुचि उनमें नहीं जगती तो फिर मैं साथ नहीं कर पाता। मेरा भी 2 बार हुआ है तो मैं JRF के लिए प्रयत्नशील हूँ, तो होगा ही। सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हम जैसे प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया है। सम्मानित करने के साथ उत्साहपूर्वक सम्मानित करने से उत्साह बढ़ती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मैंने ये प्रथम प्रयास में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया हूँ और मैं इतना ही कहूँगा, करत करत अभ्यास से जरपत और सुजान पत रसरी आपत जात है शिलपत पर अतिशान। अगर हम निरंतर अभ्यास करेंगे एक दिन हमें अपनी सफलता जरूर मिलेगी। इतनी कहकर मैं अपनी वाणी को विराम। मेरा नाम भारती है, मैं ज्योग्राफी में नेट पास किया हूँ।
फिलहाल मैं यहाँ पे बीएड कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से, बीएड मेडिकल यूनिवर्सिटी से। इससे पहले मैं अपना पीजी पटना यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट किया हूँ। समय लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, समय नहीं लगता है। नेट एक कोई इतना छोटा एग्जाम नहीं है जिसको आसानी से पास किया जा सकता है। इसमें पेपर टू हमारा जो हमारा 100 क्वेश्चन होता है वो बहुत मायने रखता है। साथ में जो जनरल पेपर है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं जो आम जनरल स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, बट कुछ अलग कीजिएगा वही आपको रिजल्ट दिलाएगा और आपको बेहतरीन बनाएगा। इस चीज़ को मैं बहुत लेट से समझा, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाया इसको। उसके बाद कोरोना का समय आ गया, फिर बीच में मैं लीक से हट गया था। फिर मुझे लगा कि मैं सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, क्योंकि जो पीजी का सब्जेक्ट है, खासकर मैं पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखा हूँ क्योंकि मैं वहाँ से पीजी किया हूँ, वो सब्जेक्ट अपने आप में संपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, यूपीएससी के लिए हो या यूजीसी नेट के लिए हो। तो उस 16 पेपर को, ज्योग्राफी के 16 पेपर को मैंने बहुत अच्छे से कम्प्लीट किया। मेरे आराध्य सर गुरुदेव सर जो अब नहीं रहे, डॉक्टर सुरितो अधिकारी सर जो ज्योग्राफी के पॉलिटिकल ज्योग्राफर थे पटना यूनिवर्सिटी के, उसने मुझे काफ़ी प्रेरणा दिया। क्योंकि जब वो पढ़ाते थे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सिर्फ 4 स्टूडेंट था जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसमें मैं था। और कभी कभी ऐसा होता था सिचुएशन, क्लास में एक ही स्टूडेंट आता था और सर का डेडिकेशन, एक भी बच्चा क्यों ना हो वो खड़े होकर पढ़ाते थे। सर थोड़े से दिव्यांग थे, उसके बावजूद वो कभी बैठ के नहीं पढ़ाते थे। वो चीज़ मुझे काफ़ी प्रेरणा दिया और मेरे अंदर पैशन जनरेट किया कि प्रोफेसर बनना कितना बड़ा चीज़ है, कितना बड़ा अचीवमेंट है इस कंट्री में। तो उस वजह से मैं इस पैशन को फॉलो किया और अल्टीमेटली अभी दिसंबर 2023 में मैं इस चीज़ को अचीव किया। मैं अपने पूरे सक्सेस को अपने फैमिली को डेडिकेट करता हूँ, खासकर मेरी दीदी जो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, बीटी कॉलेज में, वो मुझे काफ़ी प्रेरणा दी और मुझे आगे खूब बढ़ाया। उसके बाद मुझे सक्सेस, मैं मेहनत बहुत दिनों से कर रहा था लेकिन सक्सेस अल्टीमेटली मुझे इस बी एन मंडल यूनिवर्सिटी में आके मिली जो समाजवाद की धरती है। और आज कर्पूरी ठाकुर जी का तो जयंती है, इस वजह से मैं उनको भी जैसे उनके चरणों में पुष्पांजलि देता हूँ और अपना सक्सेस यहाँ रखता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम नंदन कुमार है, मैं पैट 20 का शोधार्थी हूँ, पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है। मेरा भी नेट 2 बार मैं सेकेंड टाइम क्वालिफाई किया हूँ। नेट क्वालिफाई करने इस बार जो मेरा वो था कि JRF होना चाहिए, बट JRF नहीं हुआ कुछ मार्क्स से, लेकिन मैं उसके लिए कंटिन्यू प्रयास करते जा रहा हूँ। लेकिन इसमें इस बार जो हुआ है, इसमें ये जो प्रशिक्षण केंद्र है इसका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट पेपर जो पढ़ाया गया, चाहे मोहित सर हों, चाहे गुड्डू सर हो, चाहे असीम सर हो, ये सब इन्होंने क्लास ली फर्स्ट पेपर के लिए, लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए, उससे बहुत हेल्प मिला। और जो भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए, लेकिन अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना से भी काम नहीं होता है, क्योंकि अब सिलेबस वास्ट हो गया, पैटर्न बदल गया, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया। पहले 1 लाइन में क्वेश्चन आता था, अब वैसा क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो हमें अपने आप को भी अपडेट करना होगा। जिस तरह से हमारे मेरा जो सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट ही डायनेमिक है, जो हमारा जो इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, हम लोग को उसके लिए जो अफेयर हो रहा है उसमें हम लोग को अपडेट रहना पड़ेगा और अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अब नेट का भीड़ बहुत होने लगा है। आप 178 नंबर लाइए या 170 नंबर लाइए तब जाकर के आपका नेट होता है, पहले जाके 170 पे JRF हो जाता, तो कट ऑफ हाई होने लगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं। तो हमें उस तरह से अपने आप को प्रैक्टिस भी, हमें उस तरह के प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए, और इस तरह से हम फोकस करेंगे तो आज नेट हुआ है, कल JRF भी होगा। और इस तरह से मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने, जिसकी वजह से आज मुझे सम्मानित होने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अभिषेक आनंद है और मैं मेरी पढ़ाई हुई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, मैंने पढ़ा है, मैंने मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी, और मैं अभी PhD कर रहा हूँ। नहीं पढ़ते हैं तो शॉर्टकट से कुछ हो नहीं सकता है। जैसे कि पहले भी हमारे सर शोधार्थियों ने बताया, तो वो उन्होंने जो कहा उसी पैटर्न पर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम
इधर उधर से काम करते हैं। एक बार मैंने मतलब ज़्यादा मैंने प्रयास किया लेकिन चौथी बार में मैं ज़्यादा फल डाल पाया। इससे ये है कि आप बार बार मेहनत करते रहेंगे और अपने लक्ष्य की ओर आप देखते रहेंगे तो सफलता भी देंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बाकी हमारे सह सौदार्थियों ने जो कहा है वो वही है।